जल जीवन मिशन में हो रही जमकर कमीशनखोरी, कांग्रेस का दावा सच निकला। रीवा कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल को रीवा जिले में जल जीवन मिशन के अफसर पलीता लगा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 25% कमीशन के खेल का एक सनसनीखेज वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिला समन्वयक HRD लाखों रुपए की मोटी रकम कमीशन मांगते नजर आए हैं। पहले देखिए वायरल वीडियो। तो देखा आपने वायरल वीडियो। दरअसल 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत यह है कि घर में तो दूर गांव में पानी नहीं पहुंच पाया। इसकी एक बड़ी वजह कमीशन खोरी मानी जा सकती है। जल जीवन मिशन में 25% कमीशन का खेल खुलेआम चल रहा है। आला अफसरों से लेकर जिला समन्वयक तक इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जिला समन्वयक प्रदीप गुप्ता और ISA एजेंसी विनोद के बीच लेन देन का मामला साफ तौर से नजर आ रहा है। एजेंसी जल जीवन मिशन अंतर्गत चयनित गांव में प्रचार प्रसार का कार्य संचालित कर रही है। एजेंसी ने ग्रामीणों से फीडबैक और भौतिक सत्यापन कराया है। इस कार्य के VWSC समिति का गठन भी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाएंगे। हर घर जल जीवन मिशन योजना बेहद महत्वपूर्ण योजना है। वीडियो की जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। हम इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनिए कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल क्या कुछ कह रही हैं। पूरा एक वीडियो सामने आया है, वायरल हो रहा था जिसमें 25% का मिशन की बात हो रही है। और जल जीवन मिशन में अपने यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं रेट्रोफिटिंग की, PHA की, मुझे इस वीडियो की तो भी जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं, हम लोग इसे जाँच कराते हैं और कहीं भी ऐसी अगर स्थिति पाई जाती है तो हम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी भी पिछले 1.5 महीनों में जो जल जीवन मिशन की योजनाएं थी उनका एक पंचायत के साथ में रिव्यू किया गया था, और इस रिव्यू के पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो जल जीवन मिशन की जो योजना रेट्रोफिटिंग में चल रही है वो भविष्य में पंचायतों को ही संचालित करनी है, उन्हीं के द्वारा उनका संधारण होगा। तो ये ज़रूरी है कि जो निर्माण हो वो अप टू द मार्क रहे। 100 जो पंचायतों का फील्ड वेरिफिकेशन हुआ था वो फील्ड वेरिफिकेशन हो गया है। उसमें जो आइडेंटिफिकेशन हुए हैं गैप्स के, वो गैप PHA डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कंप्लीट कराने के लिए। पिछले दिनों मैंने भी एक जगह विजिट की थी और ये पाया था कि जल जीवन मिशन का जो काम था उसमें कुछ त्रुटियां थी, और वहां मौजूद ग्रामीणों ने भी बताया कि कुछ जगह पानी आता है, कुछ जगह लाइन ठीक नहीं थी। तो एक वेंडर के खिलाफ हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराई है। इस हर घर जल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें अपने यहाँ जितनी रेट्रोफिटिंग की योजनाएँ चल रही हैं उसमें अगर कहीं भी इशूज़ आएंगे तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और आने वाले 2 से 3 महीनों में PHA ने जो गैप्स आइडेंटिफाई होकर मिले हैं उनको पूरा कराना भी PHA की टीम की जवाबदारी है। उनके सभी वेंडर्स इस पर काम कर रहे हैं और अगले 3 महीनों में जब ये काम कंप्लीट होंगे तो बेहतर स्थिति में हैंडओवर करने की स्थिति में।